हेलो हिप हॉप लिसनर्स, तो कैसे हो आप लोग। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एमीवे के बारे में। तो एमीवे का ट्रैक आउट हो चुका है जिसका नाम है स्ट्रीट टॉक। तो काफ़ी टाइम बाद इस टाइप का ट्रैक देखने को मिला है एमीवे की तरफ से। तो जो भी हार्डकोर एमीवे पसंद करते हैं उनको ये ट्रैक काफ़ी पसंद आने वाला है। और साथ ही एमीवे ने इसमें कुछ इनडायरेक्ट शॉट्स भी लिए हैं, तो आप लोग सुनोगे तो आप लोग को समझ आ जाएगा। और साथ ही एक बार में उन्होंने अपनी अर्निंग्स भी बताई थी। तो उस लाइन में उन्होंने कुछ ऐसा कहा था कि क्वार्टरली वो अपने सिर्फ ट्रैक से 60-70 lakhs अर्न करता है। तो अभी ये चीज़ खुद एमीवे ने कही है तो गलत तो होगी नहीं। तो क्या कहना है इसके बारे में आप लोग का, नीचे कॉमेंट्स में बताना। इसके अलावा एमीवे जो है वो अभी थोड़ी देर पहले अपने इंस्टाग्राम से लाइव आए थे और वहाँ पे उन्होंने एक अपडेट दिया हेलक से रिलेटेड। तो हेलक की एक ईपी आने वाली है जिसका नेम है राजा, और उसका जो टाइटल ट्रैक होने वाला है वो है एमीवे और हेलक का। तो काफ़ी वाइबी ट्रैक होने वाला है ऐसा एमीवे का कहना है। तो वेट करते हैं इस ईपी के अनाउंसमेंट का, जैसे कुछ पता चलता है मैं आप लोग को बता दूंगा। तो अब बात कर लेते हैं मूफाड़ के बारे में। तो लोका और मूफाड़ का ऑफिशियली ट्रैक अनाउंस हो चुका है। तो ऐलान रिकॉर्ड्स की तरफ से एक पोस्ट आती है और उसमें वो कुछ ऐसा लिखते हैं, #पैसा पैसा पैसा मूफाड़ एक्स लोका कमिंग सून, सब रेडी हो जाओ वन ऑफ द बेस्ट कोलैबोरेशन के लिए। तो अब बात कर लेते हैं कैरी मिनाटी के बारे में। तो कुछ ऐसी अपडेट तो नहीं है, बस मुझे ऐसा लगा कि आप लोग को बताना चाहिए। तो कैरी मिनाटी जो है वो एक स्टोरी डालता है और कुछ ऐसा लिखता है, स्टिल हियर। तो अब बात कर लेते हैं हनी सिंह और अफसाना खान के बारे में। तो अफसाना खान जो है वो एक क्लिप डालती हैं जिसमें हनी सिंह जो है वो अफसाना खान के बारे में बात करते हैं। तो वो क्लिप यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो अब बात कर लेते हैं बंटा रिकॉर्ड्स के बारे में। तो बंटा रिकॉर्ड्स से अभी दो आर्टिस्ट और साइन हो चुके हैं। तो पहला है शेज और दूसरा है एक्सटेसी। तो अब बात कर लेते हैं एक ट्रैक के बारे में जिसका नाम है सीन चेंज। तो ये ट्रैक है काब, रिबेल 7, स्मोक और एबिक्स का। तो इसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग जाके चेक कर सकते हो। तो अब बात कर लेते हैं करण औजला और कृष्णा के बारे में। तो करण औजला की तरफ से एक पोस्ट आई थी जिसमें वो लिखता है, YKWIM, what do you think the title of my next song is? #youdon'teveknowwhatscoming, #2022। तो यहाँ पे करण औजला शायद उसी ट्रैक के बारे में बात कर रहे हैं जो कि कृष्णा के साथ उनका आने वाला है। तो क्या लगता है आप लोगों को, क्या नहीं होने वाला है गाने का। तो अब बात कर लेते हैं एपी ढिल्लो के बारे में। तो एपी ढिल्लो जो है वो अपने शो से रिलेटेड एक स्टोरी डालता है और उसमें वो ये बताते हैं कि कुछ फेक कॉन्सर्ट्स ऑर्गेनाइज कराए जा रहे हैं उनके नाम से। वी हैव बीन मेड अवेयर दैट देयर आर स्कैमर्स अनाउंसिंग शोज कॉन्सर्ट्स इन कंट्रीज अदर देन इंडिया एंड यूनाइटेड किंगडम आउटसाइड ऑफ द टेक ओवर टूर इन इंडिया एंड आर यूके टूर इन फेब्रवरी। देयर हैव बीन नो एडिशनल कंट्रीज दैट हैव बीन कन्फर्म्ड फॉर कॉन्सर्ट्स बाय एनी वन ऑफ आर टीम। प्लीज डू नॉट गेट स्कैम्ड एंड ओनली परचेज टिकट्स फॉर शोज दैट हैव बीन कन्फर्म्ड बाय अस। इसके अलावा एपी ढिल्लो का एक शो भी होने वाला था जो कि कैंसिल हो चुका है। तो उस पे एपी ढिल्लो कुछ ऐसा लिखते हैं, दिल्ली आई लव यू, टुनाइट्स कैंसिलेशन वॉज टोटली आउट ऑफ आर कंट्रोल, वी वॉन्ट नथिंग मोर देन टू कम बैक एंड परफॉर्म फॉर यू सून। तो अब बात कर लेते हैं मुक्ता के बारे में। तो मुक्ता के ने एक डेट डाली अपनी स्टोरी में और वो जो डेट है वो है 27th December। तो हो सकता है उनका कोई सा ट्रैक देखने को मिल जाए 27th को। तो अब बात कर लेते हैं इक्का के बारे में। तो इक्का की तरफ से भी एक स्टोरी देखने को मिली है जो कि है कुछ ऐसी, वक्स क्या कर रहे हैं, मेरे भाई ने वीडियो बनाया मेरा नेक्स्ट एल्बम का और इतना क्रेजी है ना, मेरा भाई का सूर्य इज फकिंग अमेजिंग वाइब यार, ब्यूटीफुल वाइब, वक्स कैसे हो। तो इसी के साथ मिलता हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।